और अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग से बड़ी खबर मिल रही है। संविधान दिवस पर एक मेले का आयोजन हुआ, मेले में एक किताब को लेकर जमकर बवाल हो गया। बजरंग दल ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज करवाई, थाने पहुंचे, जमकर हंगामा किया बजरंगियों ने, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुपेला पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। दुर्ग में आज मतांतरण से जुड़े हुए, धर्मांतरण से जुड़े हुए दो मामले। संविधान दिवस पर मेले का आयोजन हो रहा था, एक किताब को लेकर जमकर बवाल हुआ है संविधान दिवस पर। तो एक खास किताब को लेकर हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर, हिंदुइज्म, इसी को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। सच्ची रामायण, संभवतः पेरियार इसमें नजर आ रहे हैं। इधर दुर्ग में ही धर्मांतरण के आरोपों पर जमकर बवाल हुआ, बजरंग दल ने हंगामा किया। बजरंग दल का कहना है कि कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी, धर्मांतरण किया जा रहा था। घटनास्थल पहुंचकर इन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई, विरोध करने पर इनके साथ मारपीट की गई, बजरंगियों के साथ मारपीट की गई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। विनायकपुर गाँव की पूरी घटना है, अंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक कमरे में धर्म सभा चल रही थी, कथित तौर पर घटनास्थल पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता, विरोध करने पर मारपीट के आरोप इन्होंने लगाए हैं। विनायकपुर गांव का ये पूरा मामला है। इधर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 16 वाहनों और एक डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 की संख्या में यहां नक्सली आए, हमला बोल दिया और पोकलैन, जेसीबी, हाईवा, टैंकर, मिक्सर, ऐसे कई उपकरणों में आग लगा दी। नक्सलियों ने रेल परियोजना में लगे वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद नक्सली पहाड़ की तरफ भाग गए। हालांकि ऐसी घटनाओं से साफ ये हो जाता है बार बार कि नक्सली विकास विरोधी हैं। एक बजे के आसपास थाना भासी क्षेत्र अंतर्गत रोड निर्माण कार्य हेतु लगे गाड़ियों में लगभग 25 से 30 नक्सली, जिसमें से अधिकतर नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में आए थे और कुछ वर्दीधारी नक्सली भी थे, इनके द्वारा गाड़ियों में आगजनी की गई और आगजनी के तत्काल बाद ये मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बल के साथ वहां घटनास्थल में पहुंचे और उन्होंने आग बुझाया। लगभग 14 गाड़ियाँ इसमें आंशिक रूप से जली हैं। डामर प्लांट में रात को हुई आगजनी के साक्ष्य धरती से हम बात करेंगे कि कैसा रहा मामला और कैसे नक्सलियों का यहां आगमन हुआ और किस तरह से उन्होंने आगजनी को वारदात को अंजाम दिया। हाँ, बताएं कि क्या है मामला और रात को कितने नक्सली यहां मौजूद थे। तो रात को अपन 1 बजे था, तो फर्स्ट में आए तो अपना फ़ोन ले लिए, पहले फ़ोन ले लिए, खींच लिए, तो बोले कि मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, बोल के मारेंगे बोल के बोल रहे थे। अपन भी गार्ड काम कर रहे बोल के बोले, तो उस बीच में अपन को फिर पकड़ के लाए नीचे और वहाँ पकड़ के रखे थे अपन खड़ा करके। उस बीच में फिर अपना अपन बोल के देखे गाड़ी मत जलाओ बोल के, तो उन लोग बोले कि गाड़ी नहीं जलाएंगे, तेरे को मारेंगे बोल के बोले, तो मैं भी चुप हो गया। लगभग कितने नक्सली मौजूद रहे उस समय? 50-60। वर्दीधारी थे और बंदूक भी था क्या उनके पास? बंदूक भी था और वर्दी भी पहने थे। अब आपको जब डराया धमका गया, आप क्या आप काम को चालू रखेंगे? वो तो अब आगे वाले कंपनी वाले जाने, आप करेंगे नहीं करेंगे, हम तो अपना जो ड्यूटी था उसको कर लिए, करते हैं। हाँ, देखिए ये साक्ष्य दर्शी है, इन्होंने बताया कि नक्सली किस तरह से वारदात को अंजाम दिया और कितनी संख्या में थे। आप देख सकते हैं कि लगातार सीरियल गाड़ियां खड़ी है और देखिए अभी भी धू धू करके गाड़ियां जल रही है। आप देख सकते हैं कि ये डामर प्लांट भांसी का मामला है और इस भांसी में नक्सलियों ने बीती रात आगजनी की है। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज 18 दिनेश गुप्ता, दंतेवाड़ा। तो न्यूज 18 के जो सहयोगी हैं उन्होंने जायजा भी लिया। इधर जगदलपुर बस्तर IGP सुंदरराज पी का भी बयान आया है। आगजनी करने वाले नक्सलियों की तलाश तेज कर दी गई है, सड़क निर्माण से नक्सलियों में बौखलाहट है और बौखलाहट के चलते वो इस तरह से आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं।
विकास विरोधी नक्सली बख्शे नहीं जाएंगे, ये तमाम बातें सुंदरराज पी ने कही है, आईजी बस्तर। आगजनी करने वाले नक्सलियों की तलाश तेज कर दी गई है, विकास विरोधी हैं नक्सली, बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने यह बड़ा बयान दिया है। बौखलाहट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के इरादे से नक्सली ये करतूत कर रहे हैं, विकास विरोधी नक्सली बख्शे नहीं जाएंगे, आईजी का कहना है। कांकेर से भी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने एक बैनर लगाया है अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के इरादे से, ऐसा लगता है कि बैनर लगाया गया है। पीएलजीए वर्षगांठ मनाने की अपील की गई है, छोटे बेठिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। नक्सलियों ने बैनर लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश यहां पर की है, छोटे बेठिया थाना इलाके का यह पूरा मामला। पीएलजीए अपनी वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर ये बैनर यहां पर लगाए गए हैं, दहशतदारी करने का इरादा, छोटे बेठिया का पूरा मामला। और नक्सलियों के चलते ही जगदलपुर में एक बार फिर ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लगाने पड़े हैं। 30 नवंबर तक कोई ट्रेन नहीं चलेंगी। केके लाइन पर चलने वाली पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस का संचालन केवल दंतेवाड़ा तक होगा। आपको बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन रेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है, 30 नवंबर तक ट्रेन नहीं चलेंगी। पैसेंजर और जो मालगाड़ियां हुआ करती थी वो अब सिर्फ दंतेवाड़ा तक चलेंगी। खबरों का सिलसिला जारी है, विराम की बारी है।